हेलो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ग्रोथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम NVS KVS बिहार लाइब्रेरियन के टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इससे पहले हमने वीडियो बना चुका है टेस्ट नंबर 1, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन थे और इसमें भी हम बात करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। रॉयल लाइब्रेरी है जो किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, इसका आंसर हो जाएंगे नीदरलैंड। नीदरलैंड रॉयल लाइब्रेरी, नीदरलैंड में रॉयल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यह 17 अगस्त 1798 ईस्वी को अल्बर्ट जन वर्विक द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है वो USA का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुके हैं। अब तक जो है भारत के कितने राज्यों में अधिनियम लागू हो चुके हैं। टोटल 19 राज्यों में अधिनियम लागू हो चुके हैं। इसके सीरियल वाइज हम सारे अधिनियम देखते हैं कि सबसे पहले किस राज्य में अधिनियम लागू हुए थे। तो सार्वजनिक जो पुस्तकालय अधिनियम है वो मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में लागू हुए थे। सेकेंड नंबर आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक अधिनियम लागू हुए थे 1960 ईस्वी में। कर्नाटक 1965 ईस्वी में। महाराष्ट्र 1967 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल 1979 ईस्वी में अधिनियम में लागू हुए थे। मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय 1988 ईस्वी में। केरल सार्वजनिक 1989। हरियाणा 1989 ईस्वी में। मिजोरम 1993 ईस्वी में। गोवा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1994 ईस्वी में। गुजरात 2001 ईस्वी में। उड़ीसा 2001 ईस्वी में। उत्तराखंड 2005 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश 2006। राजस्थान 2006। पांडिचेरी 2007 में। छत्तीसगढ़ 2007 में। बिहार सार्वजनिक अधिनियम 2007 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश जो सबसे लास्ट में वो 2009 ईस्वी में अधिनियम लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टोटल कितने राज्यों में, तो 19 राज्यों में अधिनियम लागू हुए थे। उसमें से पहला जो था वो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम मद्रास में हुआ था और सबसे लास्ट अरुणाचल प्रदेश 2009 ईस्वी में लागू हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था। जो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लगाया गया था, पेश किया गया था रंगनाथन द्वारा, वो कब और कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बनारस राज्य में 1930 ईस्वी में। ऑल एशिया एजुकेशन, ओके, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था 1930 ईस्वी में बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है। पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है। सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है, लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी। सार्वजनिक पुस्तकालय वो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के, जाति के रंग और व्यवसाय के, सभी के लिए खुला हो, उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। अर्थात ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए खुला हो और सामान्य रूप से, उस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय माना जाता है। जिसके दरवाजे बिना भेदभाव के सबके लिए खुले हों, उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं। पुस्तकालय विज्ञान के टोटल 5 सूत्र हैं, वो कौन कौन से हैं। जिसका जो आंसर हो जाएंगे वो बुक्स आर फॉर यूज, ये जो पहला है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तक उपयोग के लिए। एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी बुक्स इट्स रीडर्स, प्रत्येक पाठक को उसका पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, पाठक का समय बचाए। और लास्ट जो है दी लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय का वर्धनशील संस्था। ओके, तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई, तो फिफ्थ लॉ ऑफ में चर्चा की गई है। पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास 2 प्रकार के होते हैं, बाल विकास और वयस्क विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1964
1954 में पारित किया गया था, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइब्रेरी गो थ्रू चैनल। बस आज के लिए इतना ही।